हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, फिर से आपके सामने हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ग्रामर रूल्स की जो हमारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमें हमारे एग्जाम निकालने के लिए अप्रोक्सीमेटली 22 चैप्टर्स इंग्लिश के पढ़ने होते हैं, लेकिन इन 22 चैप्टर्स में चूंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अपने आप में कहलाते हैं गोल्डन पॉइंट्स। यानी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, चाहे आप भारत का कोई भी एग्जाम दो, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर क्वेश्चन नहीं भी मिला तो इनकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे 10 रूल मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात आती है हमारे एग्जाम की। चलिए तो शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल इसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट मैच इन द नंबर सिंगुलर और प्लूरल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। अगर मैं ओवरऑल हमारे एग्जाम की बात करूं, और अगर मैं बात करूं कि सपोज हमसे एरर के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी हमसे ग्रामर के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन 10 में से कम 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। और केवल यही नहीं, हमारे एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट आता है, उस क्लोज टेस्ट में भी काफी कुछ मदद हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिलती है। प्लस साथ में जो छोटे वाले पैराजंबल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कहते हैं, उसमें भी हमें मदद मिल जाती है। तो नो डाउट ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, अगला जो रूल है वो है टेंस कंसिस्टेंसी। मेंटेन द सेम वर्ब टेंस थ्रू आउट अ सेंटेंस और पैराग्राफ, सबसे ज्यादा अगर ये हमारी मदद करता है तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में करता है, वहां पर बहुत मदद मिलती है। प्लस साथ में ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस में भी ये हमारी मदद करता है कि टेंस की कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। सपोज आप कोई भी पैराग्राफ देख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस देख रहे हैं, तो वहां पर टेंस का सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। यानी पूरे पैराग्राफ में, चाहे वो 2 लाइन 3 लाइन 10 लाइन का क्यों ना हो, किसी टेंस में अगर कोई बात कही जा रही है तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सेम टेंस में चलता है। तो टेंस की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसे ही वो बच्चे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई भी एग्जाम अगर ऐसा देते हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात है, और उन्हें कोई ऐसे लिखने को दिया जाता है, या फिर कोई प्रोसेस लिखने को दी जाती है, या कोई पैराग्राफ लिखने को दिया जाता है, वहां पर ये चीज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। वहां पर जब आपकी कॉपी चेक होगी तो सबसे पहले एग्जामिनर आपकी टेंस की कंसिस्टेंसी को चेक करेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तीसरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यूज एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन करेक्टली। जब मैं वर्ब चैप्टर बताता हूं तो वर्ब चैप्टर शुरू करने के पहले इस चीज को समझाता हूं जो बोर्ड पर लिखी हुई है कि एक्टिव पैसिव के रूल अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को देखकर यह पहचानना होता है कि वो सेंटेंस आखिर में बनना क्या चाहता है, एक्टिव बनना चाहता है या पैसिव बनना चाहता है। जो वो बनना चाहता है वो उसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले यह सीखना होगा आपको कि किसी भी सेंटेंस को पढ़कर हम कैसे समझते हैं कि यह सेंटेंस एक्टिव है या फिर यह सेंटेंस पैसिव है। अगर आप इतना सीख गए तो यह मान के चलिए कि इंग्लिश के 80% सेंटेंसेस हम बना पाएंगे बिना किसी डर के। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट, है ना। यानी जिस तरह का सब्जेक्ट है, जिस तरह का आपका नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन और फिर उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब ये लगाना आना चाहिए। जैसे कि सपोज अभी ये कहां पार्ट प्ले करेगा, प्रोनाउन में तो प्ले पार्ट प्ले करेगा ही, साथ में जब आप वॉइस नरेशन और आप जब पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पर प्लस साथ में जो क्वेश्चन टैग चैप्टर होता है वहां पर भी प्रोनाउन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन और नाउन इनकी जो कंबाइंड जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है अगर वो आपको अच्छे से आ गए हैं तो डेफिनेटली आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ नाउन से तो काम चलता नहीं है, प्रोनाउन की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही, और जब जरूरत पड़ेगी तब आपके पास उस पर्टिकुलर कंडीशन में लगाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोनाउन होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद मॉडिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉडिफायर्स
आपने देखा होगा कि हमारे एग्जाम में अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडिफायर्स के, डिटरमिनर्स के और आर्टिकल के। असल में जो आर्टिकल के, आर्टिकल का पार्ट और एडजेक्टिव का पार्ट जो सेंटेंस को मॉडिफाई करने में सक्षम है, मॉडिफायर्स कहलाते हैं। और मॉडिफायर्स या डिटरमिनर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के हो जाते हैं, पर इन्हें पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश का एडजेक्टिव चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप एडजेक्टिव के टाइप्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, हर चीज़ का यूज़ करना आप जानते हैं, आप जानते हैं कि फ्यू कहाँ लगता है, आप जानते हैं कि लिटिल कहाँ लगता है, और आप जानते हैं कि सम और एनी में क्या डिफरेंस है, तो डेफिनेटली मॉडिफायर्स का आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में डेफिनेटली क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं मॉडिफायर्स के। उसके बाद मेरे बच्चे क्लॉज एंड फ्रेज स्ट्रक्चर है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस, एक चैप्टर होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। नॉर्मली मैं इस चैप्टर को सबसे आखिर में पढ़ाता हूँ। ये ऐसा चैप्टर है जब आपको पूरे टेंस का नॉलेज हो जाएगा, पूरे वर्ब का नॉलेज हो जाएगा, पूरे सिंटैक्स का नॉलेज हो जाएगा, पूरे मूड्स का नॉलेज हो जाएगा, तब इसे किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आप सेंटेंस को थोड़े से में ख़त्म कर देते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल एमी लव्स कैटरीना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये, अपने पूरी मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वही मैंने बोला इफ एमी लव्स कैटरीना, तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं बल्कि मैं डिपेंडेंट हूं। मेरे आगे कंजंक्शन लगाकर कोई और पार्ट भी लगाओ तभी मैं तुम्हें कंप्लीट मीनिंग दूंगा, ये डिपेंडेंट की बात हो जाती है। तो क्लॉज और फ्रेज स्ट्रक्चर आपका समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर पढ़ना पड़ता है। देन पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से जोड़ा है, तो जब दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से जोड़ा है तो आपको पैरेललिज्म आना चाहिए, यानी दोनों तरफ जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मली सेम होगा। स्पेशली इसको करने के लिए आपको कंजंक्शन की नॉलेज, कोरिलेटिव कंजंक्शन की नॉलेज, पेयर्ड कंजंक्शन की नॉलेज बहुत जरूरी हो जाती है, प्लस साथ में यहाँ पर टेंस की नॉलेज भी काम करती है। तो अगर ये दोनों चैप्टर्स की नॉलेज आपको अच्छी है तो आप इंग्लिश में पैरेलल सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो उसके लिए टेंस और इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसके बाद अपोस्ट्रोफी यूसेज, आप जानते हैं कि नाउन पोजेशन करता है, एमी का पेन, अगर मुझे बोलना है एमी का पेन तो मैं एमी पेन बोलूंगा, अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा। और सेंटेंस, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, आप देखते हैं कि नाउन का किसी ना किसी चीज पर कब्जा तो होता ही है, नाउन का किसी ना किसी चीज पर पोजेशन तो होता ही है, और जब पोजेशन होता है इसका मतलब वहां जरूरत पड़ती है अपोस्ट्रोफी की। लेकिन अपोस्ट्रोफी ऐसे ही आप नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए काफी सारे नियम को फॉलो करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर आप वो रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कर पाए देन डेफिनेटली आपके लिए वो फ्रूटफुल होने वाला है। उसके बाद नाइन्थ, हु वर्सेस हुम, बहुत पूछे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास हु भी है, हुम भी है, विच भी है, हुज भी है, दैट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो हु और हुम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हु का यूज कैसे होगा, हुम का यूज किन कंडीशंस में होगा। प्लस ये यहां तो मदद करेंगे ही, ये नरेशन में भी मदद करते हैं, प्लस ये साथ में एक्टिव पैसिव में भी मदद करते हैं, हु का पैसिव अलग टाइप से बनता है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के पार्ट हैं जो हु और हुम पर डिपेंड करते हैं। ये प्रोनाउन में काम के हैं, ये सिंटैक्स में काम के हैं, ये कंजंक्शंस में काम के हैं, ये वॉइस में काम के हैं, और ये नरेशन में काम के हैं। इतने सारे चैप्टर में हु और हुम का बहुत मेजर रोल होता है। और उसके बाद इट्स वर्सेस इट्स, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग तो नहीं है लेकिन बहुत काम का भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी प्रोनाउन पर कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं आता। अगर किसी प्रोनाउन पर अपोस्ट्रोफी आया हुआ है यानी उसे अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो, जानो। अगर उस पर अपोस्ट्रोफी आया है, हो सकता है वो इट इस का शॉर्ट फॉर्म हो, तो इट्स और इट इस का यूज आपको करना आना चाहिए। कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में तो इट्स पॉसिबल है लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में पॉसिबल क्यों नहीं है? तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और साथ में जब आप प्रोनाउन की बेसिक नॉलेज लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है।
तो ये 10 कुछ ऐसे रूल्स थे मेरे प्यारे बच्चे जो आपको आने चाहिए। अगर ये 10 रूल्स आपको आते हैं, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 10 रूल्स को कवर करने के लिए आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे डिटेल में, और अगर चैप्टर्स आपने पढ़ लिए तो अपने आप आपकी ग्रामर की तैयारी तो हो ही जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले कुछ बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो में। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।